आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग सॉल्व करेंगे, और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको और एक एक्स्ट्रा लिंक मिलेगा जिसमें सिक्का से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको मैंने ट्रिक से सॉल्व कराया है, और एक ही ट्रिक से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो वो जाके जरूर देखें। अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है ताश के एक फुल पैक में, ठीक है, ताश का एक फुल पैक है। तो ताश का एक फुल पैक जो होता है 52 पत्ता का होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ताश के एक फुल पैक में से एक पत्ता निकाल लिया जाता है, तो टोटल क्या होता है, 52 को पत्ता होता है, और उसमें से एक को निकाल रहे हैं तो सी दे के 1 लिखेंगे, अगर 2 को निकालते हैं तो सी दे के 2 लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 52 को पत्ता है, उसमें से एक को निकालें तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 52 आएगा। अब बोल रहा है निकाला जाता है तो हॉनर कार्ड होने की संभावना क्या है। अब हॉनर कार्ड समझिए, हॉनर्स कार्ड होता है, टोटल हॉनर्स कार्ड 16 को होता है, ठीक है, और ये 16 कौन कौन सा होगा, तो 16 आपका देखिए यहाँ पे जैसे 4 को किंग हो जाएगा, 4 को आपका क्वीन का होगा, और 4 को जैक का होगा, और 4 को ए लिखा हुआ रहता है, देखिएगा इसका होता है, ठीक है, इक्का बोलते हैं इसको, तो ये चार चार को करके रहता है, तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोगों का, 16 को हो जाता है। 16 को क्या है, हम लोगों का ऑनर कार्ड है, ठीक है, और बाकी बच गया जितना भी कार्ड, मतलब 52 में से 16 को अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 12 से 6 गया 6, और फिर ये कितना हो गया, 4 से 1 गया, तो हो गया 3, तो 36 बचा। ये 36 को क्या है, हम लोगों का डिजिटल कार्ड है, ये याद रखना है, बाकी सब क्या है, डिजिटल कार्ड है। और डिजिटल कार्ड कौन सा होता है, जो एक से लिखा हुआ रहता है, मतलब एक तो इसमें रहता नहीं है, तो 2 से रहता है, 2 3 4 5 ऐसे करके 9 तक जाता है, ठीक है, 9 तक गया, फिर और एक बार 9 तक जाएगा, ये लाल का रहता है, ठीक है, इस तरह का रहता है, ईंट का रहता है, और एक इस टाइप का चिड़िया का रहता है, ठीक है, तो इस टाइप का 2 को रहता है, एक लाल कलर का रहता है और एक ब्लैक कलर का रहता है, फिर ये भी एक ब्लैक कलर का भी रहता है, और ये दोनों मतलब ब्लैक कलर का रहेगा और दोनों लाल कलर का रहेगा, तो इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा, 9 4 जो 36, तो 36 जो हो रहा है ये डिजिटल कार्ड है, जो तो नंबरिंग में लिखा हुआ रहता है, तो इतना समझना है इस क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखिए 52 को पत्ता रहता है, उसमें से बोल रहा है एक को पत्ता निकाला गया, तो बोल रहा है ऑनर कार्ड होने की संभावना क्या है, तो ऑनर कार्ड अभी हम बताएं 16 को होता है, तो 16 में से कितना निकालेंगे, एक को कार्ड निकालेंगे, ये चांसेस है। अब टोटल चांसेस जो है 52 हुआ, तो इसको हम लोग नीचे लिखना है, और इसमें से क्या 16C1, इसका मतलब क्या 16, इसको हम लोग को ऊपर में लिखना है, मतलब 52 में से 16 को निकालना है। अब इसको बस कैलकुलेशन कर देना है, तो इसको काटिए, देखिए 4 4 जा 16, 4 का टेबल में ये 13 बार में कटेगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 4/13, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये सी वाला प्रॉब्लम जो है ये हम बताए थे, जैसे सी को कैसे खोलना है, ठीक है, ये सी मतलब कॉम्बिनेशन होता है, इसको कैसे खोला जाता है ये मैंने पार्ट 1 का वीडियो में ऑलरेडी बताया है, या फिर सिक्का वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसमें जाके आप लोग देखिएगा, तो ये सारा प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया गया ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो टोटल को हम लोग नीचे में लिखते हैं, ठीक है, तो ताश का एक कितना रहता है, 52 को रहता है, उसमें से एक को निकाल रहे हैं, एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके इक्का होने या बेगम होने की प्रायिकता क्या है, तो इक्का कितना हो सकता है, देखिए तो इक्का 4 को होता है, ठीक है, इक्का मतलब क्या, ए लिखा हुआ रहता है, ठीक, उसको इक्का बोलते हैं, तो इक्का 4 को रहता है, और उसमें से के को निकाल रहे हैं हम लोग, एक निकाल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए या बोला गया है, या जब बोला जाएगा तो हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, और बोल रहा है बेगम होने की प्रायिकता क्या है, तो 4 में से बेगम भी 4 को होता है, बेगम मतलब क्वीन वाला, ठीक है, क्वीन मतलब बेगम होता है, तो 4 में से 1 को निकालेंगे, बस इसको अब सॉल्व कर देना है। तो देखिए 4C1 और 4C1 कितना हो जाएगा, 8C1, और नीचे में क्या हो जाएगा, 52C1। अब 8C1 का मतलब क्या है, इसको अब तोड़ के निकालेंगे, जब C1 रहता है तो इसका वैल्यू 8 ही हो जाता है, अब इसको भी तोड़ के निकालेंगे तो ये 52 रह जाएगा, अब इसको काट लेंगे हम लोग, तो देखिए 4 का टेबल में ये 2 बार में, 4 का टेबल में ये 13 बार में कटेगा, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 2/13, ये जो है हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाएंगे उसका वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। अब आगे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें दिया गया ताश की एक गड्डी में से 2 पत्ता निकाला जाता है, तो टोटल चांसेस हम लोग क्या होगा, 52 में से देखिए 2 को निकाल रहे हैं तो C2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 पत्ता निकाल रहे हैं इसलिए C2, अगर 3 पत्ता निकालते तो C3 लिखते हैं, ठीक है,
देखिए, ताश की एक गड्डी में से कितना होता है, 52 को पत्ता रहता है, उसमें से दो को निकाल लिए। तो बोल रहा है दोनों पत्तों के लाल रंग के या दोनों के बादशाह होने की संभावना क्या है। तो देखिए, लाल रंग का के गो होता है, 13 को लाल रंग, मतलब टोटल 26 को लाल रंग का होता है, ठीक है। टोटल 26 को लाल रंग का होता है और 26 को काला रंग का होता है, मिला के 52 को हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, 26 को हम लोगों का लाल रंग का होगा और 26 को काला रंग का होता है। तो अब देखिए, इसमें बोला गया है तो दोनों पत्तों के लाल रंग के होने के, तो लाल रंग का दोनों को अगर होगा, ये टोटल चांसेस हम लोग का निकल के आ जाएगा। ये सब क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 52 फिर 51 होगा, दो लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, दो बार लिखना है और एक एक घटा के लिखना है, ठीक है। तो 52 है फिर 51 लिखे, दो है तो 2 × 1, अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे काट लीजिए तो हो जाएगा 26 × 51, इतना आया। ये टोटल चांसेस हो जाएगा, टोटल चांसेस हम लोग का इतना निकला। अब इसमें बोल रहा है दो पत्तों के लाल रंग के होने, ठीक है, लाल रंग के, तो दो को लाल रंग का, तो लाल रंग का कितना है, 26 को है। इसमें से बोल रहा है दो को निकालेंगे, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, दो को हम लोग निकाल रहे हैं, तो C2, इसमें दो को निकालेंगे तो लाल रंग का होने का, तो 26 को लाल रंग का होता है, इसी में से हम लोग दो को निकाल सकते हैं। इसको अब सॉल्व करेंगे तो होगा 26 × 25, और ये 2 × 1, अब इसको काट सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 13 × 25, इतना आया इसका। अब इसको जब मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो देखिए, 25 दिया हो जाएगा 75 का 5, हाथ मेरा 7, फिर 25 × 25 और 7 = 32 हो जाएगा, मतलब 325 इसको सॉल्व कर लिए हम लोग, ठीक। उसी तरीके से और आगे दिया गया है, या दोनों के बादशाह होने की संभावना, तो बादशाह बोल रहा है, तो बादशाह मतलब समझिए, तो बादशाह किए को होता है, बादशाह हम लोगों का 4 गो हो जाता है। तो देखिए, बादशाह के गो होता है 4 गो, तो बादशाह मतलब हो गया किंग, तो किंग के गो होता है 4 गो, और 4 गो में से क्या बोल रहा है, 2 गो निकाल रहा है, ठीक है। दोनों के बादशाह मतलब 4 गो में से ही हम लोग 2 गो निकालेंगे। तो अब देखिए, इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो 4 × 2 = 2 है, इसीलिए दो बार लिखेंगे, एक एक घटा के, तो 4 × 3, और ये 2 है तो 2 × 1, इससे ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा 6। अब देखिए, 4 गो ही बादशाह होता है, लेकिन यहाँ पे जो 26 गो लिखे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए 26 गो लाल था और 26 गो काला था, तो 26 गो जो लाल है, इसमें से भी क्या होगा, एक 2 गो जो होगा, 2 गो इसमें भी किंग होगा, ठीक है, 2 गो बादशाह इसमें भी होगा लाल रंग का, ठीक, और 2 गो बादशाह इसमें भी होगा, एक चिड़ी का होगा और एक ईंट का होगा, एक ईंट का और एक चिड़ी का होगा, इसमें 2 गो और इसमें 2 गो, 4 गो। अब देखिए, इसमें जो 2 गो था, 26 गो लिए हैं, इसका मतलब क्या, इसमें हम लोग 2 गो ले लिए हैं, ठीक है, 2 गो बादशाह इसमें ऑलरेडी है और इसमें भी 4 गो है, तो 2 और 4 6 गो बादशाह हो जा रहा है। लेकिन एक ताश का गड्डी जो होता है उसमें क्या रहता है, 4 ही गो रहता है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग 2 गो ले लिए और यहाँ पे भी 4 गो ले लिए, तो 2 और 4 कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, मतलब 2 गो हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए। तो क्या करना पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा का हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो 2 हम लोग एक्स्ट्रा निकाल लिए, कितना में से, 2 गो में से, हम लोग पत्ता तो 2 गो ही निकाल रहे थे, तो 2 पत्ता निकाले, एक्स्ट्रा निकाल लिए हम लोग, कितना से, 2 गो में से, इसीलिए C2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग का तो आता है 1, जब एक ही जैसा रहता है। अब देखिए, इतना सबको सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए जैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग टोटल का इसका वैल्यू लिख देंगे, तो टोटल हम लोग का कितना आया था, 26 × 51, इतना आया था टोटल, नीचे में लिखना है, और उसमें से कितना निकाल रहे हैं, तो उसमें से देखिए जो हम लोग निकाले थे 26 वो जो लाल कलर का था, उसमें से 2 गो निकाले थे, उसका सॉल्व करके आया था 325 आया था। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है या, जब या बोला जाएगा, ठीक है, जब या बोला जाएगा तो हम लोग ऐड करते हैं, ये बात भी याद रखना है, जब या बोला जाएगा तो हम लोग ऐड करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 25+ लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए बोला गया था बादशाह, तो बादशाह का हम लोग सॉल्व किए थे तो आया था 6 आया था, बादशाह का हम लोग जब सॉल्व किए थे तो हम लोग का 6 आया था, और ये टोटल आया गया था, और इसमें से हम लोग 2 एक्स्ट्रा आया था, मतलब इसमें 4 था, इसमें से इसमें कितना था, इसमें टोटल 2 गो था, 26 गो था ना, तो 2 गो एक्स्ट्रा इसमें भी था और इधर 4, 4 और 2 6 गो हो गया था, 6 मतलब हम लोग का टोटल कितना रहता है ताश में, 4 गो ही रहता है बादशाह, तो यहाँ पे 6 गो बादशाह है, तो 2 गो बादशाह हम लोग क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो टोटल कितना है, 26 × 51, इतना आया है टोटल, और इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, जो 2 गो एक्स्ट्रा हम लोग निकाले, तो 2 एक्स्ट्रा का हम लोग अभी वैल्यू निकाले 2C2 वाला, तो उसमें आया था 1, तो बस इसको सॉल्व कर देना हम लोग का आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको इसको ऐड करिए तो हो जाएगा 331/26×51, फिर -1/26×51, इतना होगा।
अब जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इतना ही हो जाएगा, 26 गुने 51, और दोनों घट जाएगा 331 माइनस 1। अब इसे इसको घटाइए, 330 बटे में 26 गुने में 51। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो देखिए टू का टेबल में 13 बार में कटेगा। अब टू का टेबल में इसको काटिए, तो टू का टेबल में या फिर टू का टेबल में इसको काटेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 6 12, 1 13, 2 5 10, इतना हो गया। अब देखिए ये 3 का टेबल में कटेगा तो 3 1 3, 2 बचेगा, 3 7 21। अब इसको भी काटेंगे, 3 5 15, 1 बचा, 3 5 15। अब इतना बचने के बाद इसको कैलकुलेशन कर देना है, तो ऊपर में 55 बचा और ये दोनों को गुना कर देना है, तो ये दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का 221 आएगा, और ये जो आया यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें दिया गया ताश के एक गड्डी में से 2 पत्तों को एक साथ निकाल लिया जाता है, तो ताश का एक गड्डी में कितना रहता है, 52 गो, उसमें से 2 गो निकाल रहे हैं, तो C2 लिखेंगे हम लोग, इतना निकाल रहे हैं। इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग आएगा 52, फिर 51 लिखेंगे, 2 है इसीलिए 2 बार लिखें, एक एक घटा के, और 2 है इसलिए 2 गुने में 1, इसको काट लेंगे तो आएगा 26, तो 26 गुने में 51, इतना आया हम लोगों का इसको सॉल्व किया। तो अब आगे देख लेते हैं, जिसमें से एक पत्ता लाल रंग का हो तब लाल रंग का टोटल कितना रहता है, तो लाल रंग का टोटल 26 गो रहता है, अभी बताएं, तो 26 में से कितना निकाल रहे हैं हम लोग, 2 पत्ता निकाल रहे हैं, तो बोल रहा है जिसमें कम से कम एक पत्ता लाल का हो, तो 26 में से एक पत्ता बोला गया है, 2 नहीं बोला गया, यहाँ पे 1 बोला गया, तो 1 लिखना है, तो 26 में से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 26 ही आ जाता है। अब देखिए टोटल जो चांस रहता है उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, उसमें से जो निकाल रहे हैं उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, तो ये कट जाएगा, हम लोग का बचेगा 1/51, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए जो सॉल्व किया गया है यहाँ पे गलत सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया गया है ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो टोटल चांसेस क्या हो जाएगा हम लोगों का, 52 में से देखिए एगो निकाल रहे हैं, टोटल को हम लोग नीचे में लिखते हैं, एक पत्ता खींचने पर 1 आने की संभावना क्या है, तो 1 के गो होता है, तो 1 4 गो होता है, और उसमें से एगो 1 होने की संभावना क्या बोल रहा है। ठीक है, उसमें से 1 पर 1 आने की, तो 4 में से एगो 1 होगा। ठीक, 4 को 1 में से एगो 1 निकालेंगे, बस इसको अब सॉल्व कर देना है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4C1 का मतलब क्या, 4, और 52C1 का मतलब क्या, 52, सो काट दीजिए 4 का टेबल में 1 बार में, 4 का टेबल में ये 13 बार में कटेगा, तो हम लोग का आएगा 1/13, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें दिया गया है, ये टाइप 4 का क्वेश्चन है और ये बॉल्स का क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है किसी थैले में 6 काली 3 लाल गेंदे हैं। ठीक है, 6 काली और 3 लाल गेंदे हैं, तो टोटल कितना हो गया, देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 गेंद हो रहा है, तो टोटल कितना हो जा रहा है, 9 गेंद हो रहा है, और उसमें से 1 गेंद निकाली जाती है, तो 1 गेंद निकाला जाता है, टोटल 9 गो हो रहा है, उसमें से 1 गेंद निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चांसेस हम लोग का निकल के आ जाएगा 9, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9, और ये क्या आएगा, टोटल चांसेस, तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो लाल कितना है, 3 है, और 3 में से ही 1 गो हम लोग निकालेंगे, है ना, 1 गेंद निकाल रहे हैं तो 3 में से ही 1 गेंद निकालेंगे, 3 गो लाल है तो लाल में से ही 1 गो निकालेंगे तो ही ना लाल होगा, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 3 आएगा, तो टोटल चांसेस जो होता है उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, और आने का चांसेस जो है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, बस इसको सॉल्व करिए, 3 1 3, 3 3 9, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 1/3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें दिया गया किसी बॉक्स में 5 काली गेंद है, 4 उजली गेंद और 3 लाल गेंद है, तो टोटल कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12 गेंद हो गया। ठीक, टोटल 12 गेंद है, इसमें से 5 गेंद निकाल रहे हैं, तो 12 गेंद में से हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 गेंद निकाल रहे हैं। ठीक, एक ये हो गया, और ये क्या हो गया हम लोग का, टोटल चांस है, उसमें से बोल रहा है 2 काली गेंद आने की क्या संभावना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो उसमें से 2 गो काली गेंद, तो काली गेंद कितना है, 5 है टोटल, उसमें से कितना आएगा, 2 गो। ठीक, 5 में से 2 गो, टोटल काली गेंद कितना है, 5 गो है, और उसमें से क्या हो जा रहा है, इसमें से 5 गेंद निकाल रहे हैं, तो 2 गेंद काली होने की क्या संभावना है। ठीक, तो 5 गो है, तो इसमें क्या बोल रहा है, उसमें 2 गेंद निकालने की, 2 काली गेंद, ठीक है, तो 5 गो काला गेंद है, तो उसमें से 2 गो निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना गेंद निकाला गया है, 5 गो निकाला गया है, तो 3 गो, 2 गो तो यहाँ पे निकाल दिया गया, और 3 गो निकाला होगा,
और जब रहता है तो गुना करते हैं, और या जब रहेगा तब हम लोग ऐड करते हैं। तो देखिए, दो को गेंद यहाँ पे निकाल लिया गया है, पांच में से क्या कर रहा है, दो गेंद काली होने की बोल रहा है, तो काला तो पांच को है, उसमें से हम लोग दो को निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे टोटल पांच को निकाला गया है, मतलब दो को और तीन को, ठीक है, दो और तीन को ऐड करेंगे, जब दो गेंद और तीन गेंद होगा तो पांच गेंद होगा, तो दो गेंद हो गया, और के लिए हम लोग क्या किए, गुना किए, ठीक है, और क्या बोल रहा है, और तीन को हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो काला तो इसमें से निकाल लिए हैं, तो और कितना बचा हम लोग का, चार और तीन सात गो बचा, सात में से हम लोग को कितना निकालना पड़ेगा, तीन गो निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल पांच ही को गेंद निकाले हैं, तो दो को तो यहाँ पे निकाल दिए हैं, और तीन गो गेंद हम लोग किसमें से निकालेंगे, तो जो बच गया चार और तीन सात में से तीन गो निकालेंगे, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए, जब फाइव सी टू इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं, फाइव इसको लिखेंगे फाइव, और टू का मतलब क्या है, इसको एक एक घटा के लिखेंगे, तो फोर लिखेंगे, तो दो बार हो जाएगा, टू का मतलब क्या है, दो बार लिखना है और एक एक घटा के लिखना है, और टू का मतलब टू गुने में वन नीचे वाला का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए, इसको पहले काट लीजिए, तो फाइव टू जाए इसका टेन आ जाएगा, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री है, इसका मतलब क्या है, इसको थ्री बार लिखना है, सेवन गुने में सिक्स गुने में फाइव, एक एक घटा के लिखेंगे, और नीचे में थ्री है, इसका मतलब क्या, थ्री गुने में टू गुने में वन। अब देखिए, ये थ्री का टेबल में ये टू बार में, और टू कट जाएगा, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, और ये गुना है तो गुना, और टोटल चांस हम लोग का देखिए ट्वेल्व सी फाइव था, तो इसको भी हम लोग तोड़ के निकाल लेते हैं, तो 12 हो जाएगा, 5 है इसका मतलब क्या, 5 बार लिखेंगे, एक एक घटा के 5 बार लिखेंगे, तो 12 हो गया, 11 लिखेंगे, 10, 9, 8, एक दो तीन चार पाँच को हो गया। अब ये 5 का मतलब क्या, 5 गुने में 4, 3, 2, 1 ऐसे लिखना है। अब देखिए, इसमें से हम लोग काट सकते हैं, 5 का टेबल में इसको काटिए, 2 बार में कटेगा, फिर 2 2 कट जाएगा, फिर देखिए 4 का टेबल में ये 3 बार में, और 3 3 कट जाएगा, हम लोग का बचा क्या, 11 गुने में 9 गुने में 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ये टोटल है, और टोटल को देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो टोटल को हम लोग नीचे में लिखते हैं, तो टोटल क्या है, 11 गुने में 9 गुने में 8 है, इतना है, इसको लिख दिए। अब इसमें से आने का चांस हम लोग क्या निकाले, इतना है, तो इसको यहाँ पे बस लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, और ये कटेगा नहीं, कट जाएगा, देखिए ये फाइव टू का टेबल में काटते हैं, तो टू का टेबल में ये फाइव बार में कटेगा, टू का टेबल में ये फोर बार में कटेगा, और ये नहीं कटेगा, तो इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव का फाइव कैरी टू, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और टू सेवेंटीन, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स हो रहा है, और इलेवन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थर्टी सिक्स, और फिर इधर थर्टी सिक्स थ्री नाइन सिक्स, इतना हो जाएगा, और यही हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। तो दिया गया है, एक थैले में चार लाल पांच काला और तीन पीला गेंद है, तो टोटल कितना हो जा रहा है, ऐड कर लीजिए, चार पाँच नौ और तीन बारह गो हो रहा है, तो बारह गो गेंद हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है यादृच्छिक, ठीक है, मतलब रैंडमली रूप से किसी चार गेंद को निकालने पर, तो रैंडमली मतलब बिना देखे, ठीक है, आँख बंद करके कोई भी गेंद निकाल रहे हैं, चार गो गेंद, तो देखिए बारह में से क्या कर रहे हैं, चार गो गेंद निकाल रहे हैं, ये तो क्या हो जाएगा, हम लोग का टोटल चांसेस हो जाएगा निकालने पर, उसमें से कम एक लाल गेंद होने की संभावना क्या है, ठीक है, तो कम से कम एक लाल गेंद होने का संभावना क्या है, इसको समझिए, कम से कम एक लाल गेंद बोला गया, मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक से कम नहीं हो सकता है, कहने का मतलब है दो गो लाल गेंद हो सकता है, तीन गो हो सकता है, चार गो हो सकता है, ठीक है, तो इसमें से देखिए टोटल कितना, बारह तक हम लोग जा सकते हैं, तेरह गेंद नहीं हो सकता है, क्योंकि बारह गो ही गेंद है, मतलब टोटल बारह में बारह गेंद ही हो सकता है लाल हो जाए, तो हम बोल रहा है कम से कम एक लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है, तो इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए कम से कम एक लाल गेंद होने का जो बोला गया है, तो लाल वाला को छोड़ देना है, तो बचा हम लोग का क्या, पाँच और तीन आठ गो गेंद बचा, हम लोग का बचा क्या, आठ गो गेंद बचा, और उसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, ना होने की संभावना हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, इसमें होने वाला संभावना था, तो इसको होने होगा कब, जब लाल गेंद को हम लोग लेंगे तब, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं क्या, इसका जस्ट उल्टा निकाल रहे हैं, ना होने की संभावना हम लोग निकाल देंगे, तो लाल गेंद ना होने की संभावना कब नहीं होगा, जब इसको हटा देंगे तब ये नहीं होगा, तो नहीं होगा तो कितना बचेगा, पाँच और तीन आठ गो गेंद है, उसमें से हम लोग कितना गेंद निकाल रहे थे, चार गो गेंद निकाल रहे थे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो देखिए ट्वेल्व सी फोर है, और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको करेंगे ट्वेल्व इंटू फोर है, इसका मतलब चार बार लिखना है, एक एक कम करके, इलेवन फिर टेन फिर नाइन हो जाएगा, और ये फोर गुने में थ्री गुने में टू गुने में वन हो जाएगा, उसी तरीके से इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो देखिए इसको पहले काट लेते हैं, देखिए फोर थ्री जा ट्वेल्व और थ्री थ्री कट जाएगा,
टू का, और टू का टेबल में ये 5 बार में कटेगा तो आएगा 11 गुना 5 गुना 9, इतना आया। उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 4 है, इसके लिए 4 बार लिखेंगे, गुने में 7 6 5, यहाँ तक लिखें, और ये 4 है इसीलिए 4 3 2 1, इतना लिखें। अब देखिए 4 का टेबल में ये 2 बार में, और 2 2 कट जाएगा, 3 का टेबल में ये 2 बार में कटेगा, तो देखिए 7 2 जा 14 और 14 5 जा 90, 14 5 जा 70 होगा, ठीक है, इतना हम लोग का आया। अब देखिए टोटल जो आता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं, तो 11 गुने में 5 गुने में 9 था, और ये उसमें से आने का चांसेस जो होता है उसको ऊपर में लिखते हैं। चाहे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं भी करके लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो काटना ही पड़ता था। अब देखिए काट लेते हैं इसको, तो 5 का टेबल में ये काटते हैं, 5 1 जा 5 2 बचा, 5 4 जा 20, और ये नहीं कटेगा, और ये नहीं कटेगा, ये 9 है, तो हम लोग का हो गया 14, और ये कितना हो जाएगा, 11 9 जा 99, इतना आया हम लोगों का, ठीक। ये ना होने की संभावना आया हम लोगों का, तो होने की संभावना मैक्सिमम कितना रहता है हम लोगों के पास, तो कोई भी चीज़ मैक्सिमम प्रायिकता की जब बात करें तो 1 हो सकता है, ठीक है, 1 से मतलब 1 नहीं हो सकता है, 1 से कम ही होगा, तो क्या करेंगे हम लोग 1 को इसमें माइनस कर देंगे। इतना याद रखना है, कम से कम वाला जो बोलेगा निकालने उसको छोड़ के बाकी का निकाल देना है और 1 से माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको 1 से कैसे माइनस करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, फिर 14 होगा, फिर डिवाइड में 99, ये बस एलसीएम भिन्न का जोड़ घटाव है, इसको सॉल्व कर देना है। फिर 9 से 4 जाएगा तो 5, 9 से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, डिवाइड में 99, और यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है 15 के जैसे ही है। तो आगे क्वेश्चन वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और ये वीडियो जिसको अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।